अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने एक बार फिर से बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका दे दिया है। दरअसल रंधावा ने एक जनसभा के दौरान ये कह दिया कि देश बचाना है तो मोदी को खत्म करो, अगर मोदी रहा तो ये देश खत्म हो जाएगा। रंधावा ने आगे कहा कि अपनी लड़ाई खत्म करो और मोदी को खत्म करने की बात करो। मैं सभी लीडर साहबान को कहता हूँ कि अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा, अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। ये कहते हैं ना कि मेरे से बड़ा देशभक्त नहीं है, और भाई साहब आपको तो पता नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है, मोदी को पता ही नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है। हालांकि जैसे ही रंधावा का ये बयान आया उसके तुरंत बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। बीजेपी नेता सर्बानंद सोनोवाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। 9 साल के अंदर मोदी जी ने जैसे काम किया है, जो परिवर्तन लाया है, इसलिए कांग्रेस का घबराहट बढ़ गया है। उसका पास अभी कोई शक्ति नहीं रहा, उसका पास ना नीति है ना नेता है, कुछ नहीं रहा। इसलिए कांग्रेस बोलने से नहीं होगा, उनको 7 साल मिला था देश को निर्माण करने के लिए, नहीं कर पाया। मोदी अब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है और उनके प्रभाव दुनिया में दिनों दिन बढ़ रहा है। वहीं बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने भी कांग्रेस पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। देखिए, ये जो बोल रहे हैं इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। बात है पूरे देश की जनता मोदी जी पर विश्वास कर रही है। किसान, मजदूर, महिलाएं, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है, 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज मिल रहा है, 10 करोड़ के आसपास महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे मुफ्त में मिले हैं, 16 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 6000 रुपये साल में मिल रहा है। तो ये जो सुविधाएँ मोदी जी द्वारा दी जा रही हैं, इन सुविधाओं को लेकर के जनता जो है पूरी तरीके से मोदी जी के साथ खड़ी है। और मोदी जी के साथ खड़ी इसलिए भाजपा के साथ खड़ी है, चूँकि सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं इसलिए गलत उल्टे सीधे बातें कर रहे हैं, उल्टे सीधे ब्लेम लगाने का काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस बार बार पीएम को खत्म करने की बात कर रही है। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लगातार गालियां देते हैं, कब्र खोदने की बात करते हैं, देश के अंदर रहकर इस तरह की खुली फ्री स्पीच हो रही है और देश के खिलाफ इनके बार बार बयान हो रहे हैं, ये देश को बदनाम कर रहे हैं। बार बार सेना के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, उनकी बहादुरी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। अभी राजस्थान में बात कर रहे थे, जहां खत्म करने की बात कर रहे थे, वहां ये भी बात कर रहे हैं कि बीजेपी शहादत नहीं समझती, कांग्रेस शहादत को बिल्कुल समझती नहीं है। ये कांग्रेस के नेता हैं जो प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज पर उठाएंगे, भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर उठाएंगे, भारत की सेना पर उठाएंगे। और अभी आप देख ही रहे हैं किस तरह से वीरांगनाओं का अपमान हो रहा है राजस्थान के अंदर। ये इनकी असलियत है कांग्रेस पार्टी की, जो बाहर अब निकल कर आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पद की गरिमा को अपमानित किया है, पूरे देश को अपमानित किया है। ये शायद आपके देश के, आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी के विचारों से मेल खाता है। जिस तरीके की वो विदेशों में जाकर देश की छवि को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा कोई करता है तो देश में, देश की सीमा के भीतर और सीमा के बाहर काम करने वाला वो तमाम सैनिक काम करते हैं जो देश की रक्षा करते हैं। ये कांग्रेस की उस चरित्र का चित्रण करता है जिसमें लगातार देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ, शहादत के खिलाफ आपकी लगातार बयानबाजी इस बात को साबित करती है। इस सब को देखकर ये साफ है कि रंधावा के बयान पर शुरू हुआ ये सियासी बवाल अब इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला है।